सबसे पहले बाबा जी को हम पैर छूकर प्रणाम करते हैं। तो गुरुदेव, आप कब से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, कब से यहाँ पे आए हैं प्रयागराज? इसी जनवरी के 19 जनवरी के पहले जो महीना पड़ता हो, दिसंबर में, दिसंबर 19 दिसंबर का आए तो यहाँ प्रयागराज में। तो आप आए कहाँ से हैं? मारकुंडी सोनभद्र। तो दोस्तों, ये मारकुंडी सोनभद्र की पहाड़ी आप लोग सुने होंगे, बहुत मशहूर पहाड़ी है सोनभद्र की। आप लोग जब सोनभद्र जाने लगे तो वहीं से ये बाबा जी आए हैं। तो बाबा जी, ये आप ये सिर में जो उगाए हुए हैं गेहूँ चना जौ, ये कब से उगाए हैं? ये मन्नत हमारी है। अच्छा, मन्नत आपकी है? जी, मन्नत है। तो हट करते हैं हम, हट ही हैं। अच्छा, यानी कि जीत करते हैं, जीद कि आप जो चीज चाह लेते हैं उसको करके दिखाएंगे, आपके अंदर ये जीत है। जीत है, जीत है। तो दोस्तों, इनके अंदर ये जीत है कि गेहूं चना जो उगाएंगे, जो कि आप लोग धरती में उगाते होंगे, ये अपने सिर में उगाए हुए हैं, इनकी ये जीत है। तो बाबा जी, ये कब से इसको मतलब यहाँ पे उगाए हुए हैं? तो कोई 3 साल 4 साल है, 3 साल से उगाते थे। तो कोई सोचते से लोग, ये मट्टी है तो क्या है, 13 पलंदर तो हम किसी को क्या फायदा, हमसे कोई मतलब नहीं था। तो इसमें खाद वगैरह, पानी वगैरह? सिर्फ पानी देते हैं, पानी। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ पानी देते हैं, खाद भी नहीं देते हैं। तो बाबा भी नहीं है, मट्टी मिट्टी भी इसमें नहीं है? नहीं, मट्टी नहीं है। तो बाबा जी, ये आपको दर्द नहीं कर रहा होगा? अब दर्द करता है कब, जब लोड इस पर पड़ जाता है ज्यादा, दाना का समय हो जाता है, तो उस समय ये जो जटे हैं, ये जो जटे हैं, देखिए ये जटा है हमारा, इसी प्रकार का सब जटा है, इसलिए है, इसी तरीके जटा है, ये जटा में ही सब पैदाइश इनका चल रहा है। तो फिर इधर भी लिखाई दे रहा, देखिए जटे जटे में ही। तो ऐसा कोई बात नहीं है, अंदर जाके दर्द करता होगा आपको? अंदर दर्द करता है जरूर, हमें, हम ये नहीं कहेंगे दर्द नहीं करता है, हमको भी ठंडा लगता है, ये नहीं कहेंगे ठंडा नहीं लगता है, लेकिन ये दर्द जब होता है तो पता चल जाता है कि दर्द हो रहा है, क्योंकि उसमें ब्लड आ जाता है। ब्लड आने पर यह होने का मतलब है, जैसे ब्लड आ जाता है तो लकड़ी से हम जो जैसे खुजवाता है तो ब्लड आ जाता है, पानी डालने पर रंगीन हो जाता है, तो कभी कभी खोलते हैं जब बच्चे शयान होने पर, तो उसमें ब्लड लिखाई देता है, सफ़ेद कपड़ा बांध देते हैं तो पता चल जाता है ब्लड है। तो उसमें पानी जब डालते हैं तो पता चलता है चरपरा रहा है, तब उसका ही पकड़ी अपना ही ठंड कम, तब जो है वो जो है उसी के हिसाब से, तो उस जगह पर उतना हिसाब से काम चलाया जाता है, जो कम पानी का मात्रा कम दिया जाता है, क्योंकि बच्चे भी पोड़ रहेंगे और पेड़ भी पोड़ रहेगा, तो उसी समय से पानी को मात्रा कम कर देते हैं। ये जो पीला पत्ता लिखाई दे रहा है तो पीला पत्ता सूख नहीं रहा है, उसके अंदर से दूसरा पत्ता निकलने वाला है। जो पीला पत्ता दिखाई, हाँ, जो पीला पत्ता दिखाई दे रहा है, कोई सूख गया है, तो जो सूख जा रहा है वही हमारा खाद बनता है। अच्छा। वही हमारी खाद विटामिन बी के हिसाब से वो चलती है। और ये सुबह शाम पानी देते होंगे? सुबह शाम नहीं, 24 घंटा पानी, पानी से खाली नहीं रहता है। अच्छा, ये इतना, में डालते रहते हैं पानी। इतना कपड़ा हरदम गीला रहता है, ये पूरा एक ठे भिजला रहता है, खाली नहीं रहता, यानी इतना बदन गीला ही रहती है। तो शुरू में जब आप उगाए होंगे तो एक आध बार सूख गया होगा, ये बार बार आप प्रैक्टिस किए कि पहली बार में इसको उगा लिया? ये तो बार बार हमारा सूख जाता है, तो क्या करें, इस बार ज़्यादा परेशानी हुई कहीं, क्योंकि सूख गया इस बार। और यहाँ आप यहाँ पे रहते, ठंडी वगैरह नहीं लगती है यहीं? खुली लगता है, ये देखिए तो कम्बल है चदर है, जब हट करके आए हैं तो हम हटी हैं, तो हम कमरा चदरा किसी से कहेंगे दे दो, कोई मैगर होगा तो देगा, नहीं हम तो हट करने आए हैं माँ के कोरा में, माई अचरा बढ़ाएगी और कौन करेगा। तो इस पर दोस्तों सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों को, जो कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, हमको दो, तो ऐसे बाबाओं को ध्यान देना चाहिए, हमसे नहीं सुनेगा, लोग वैसे लोगों को दान पुण्य कर देते हैं, देगा तो ठीक है, नहीं देगा उसका भी भला, जो दे दिया उसका भी, यानी कि आप मांगते नहीं किसी, हमारे बस का नहीं, जो जुट जाता है वही से खाते खिलाते हैं चल देते हैं, जो खिलाता है खा लेते हैं, मांगने वाला काम, मांगने वाला भी काम नहीं करते, हम होटल में भी नहीं जाते हैं, हमें चाय पिया दो, किसी से कहते चाय पिया दो, ये हमारे बस का नहीं, जिसको देना है 1 रुपया कोई नहीं दे सकता, क्या देगा हमको, कौन देने वाला है, हम तो खुदा यहाँ लेके जा रहे हैं, हमारा होगा तो खाएंगे, हमारे पास थोड़ी इतना समय है जो मतलब यही आवा जही के खोला पानी पियावा कैसे करला क्या करला, कुछ लोग आ रहे हैं जो मतलब मैदान करने जा रहे हैं वहाँ दंड हो जा रहा है, पेशाब करे उठाता ही वहाँ दंड हो जाता है, चला अगरबत्ती जलावे के समय नहीं देते लोग, जब उनके ऊपर देख अगरबत्ती बढ़िया अपन जो कामना से आए वो कामना कर ले, अरे कुछ तो मौका दो, बताइए, यानी कि आपको मौका नहीं दे, लोग पीछे आपके पड़े हैं, आप जहाँ जा रहे हैं लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, बताइए, हम तो जा रहे हैं हम नेपाल, अब नेपाल चलो, अच्छा, अब यहाँ हम नेपाल जा रहे हैं, हाँ हम चल चल के हट करते हैं। अच्छा, वहाँ से पैदल आए आप सोनभद्र से? नहीं पैदल नहीं, हम त्रिवेणी है ना, हाँ, वो जो चलती है टनकपुर, शक्तिनगर टनकपुर, हाँ तो उसी से आए हैं,
फिर उसी से जाएंगे। इसके बाद आप चलेंगे नेपाल? नहीं, यहाँ से निकलेंगे विंध्याचल, विंध्याचल से जाएंगे बनारस, या तो बनारस से होकर उधर जाएंगे या उधर से होकर उधर जाएंगे, दोनों देवियों का दर्शन करते तब उसके बाद हम निकलेंगे नेपाल। तो दोस्तों ये बाबा जी अभी जाएंगे मारकुंडी, उसके बाद फिर वहाँ मारकुंडी नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे विंध्याचल, विंध्याचल जाएंगे, विंध्याचल, विंध्याचल से तब जो होने के जाएंगे बनारस अदलपुरा माई शीतला के, वहाँ से होने के बाद तब हम नेपाल की तैयारी। अच्छा, वहाँ से होने के बाद फिर नेपाल जाएंगे जी। तो अभी शिवरात्रि बाद फिर आएंगे यहाँ। अच्छा, फिर आएंगे शिवरात्रि बाद, फिर यहाँ आएंगे, तब तक हमारा फल तैयार रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, मैं बाबा जी से बात भी कर लिया, इनसे सारी डिटेल भी ले लिया, आप लोग वीडियो में देखे होंगे, बाकी आप लोग देख सकते हैं इनके सिर में, देखिए ये गेहूं है, चना है और जौ है बाबा जी। हाँ, देख लीजिए जो है, देख सकते हैं दोस्तों ये जो है सामने है, बाकी ये खोलते खोलते ये खुद ही थक गए हैं लोग, इनके पास इतना आ रहे दिखाते दिखाते परेशान हो गए, हम कहेंगे भी नहीं इनको खोलने के लिए, हमारे खोलने का समय नहीं, भैया ना खोलेंगे। सही, तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, अभी हम अपने प्रयागराज के किला के बगल में खड़े हैं, ये किला की दीवारें आपको दिख रही हैं, और बगल इधर श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है सामने, इधर देख सकते हैं, और इस तरफ अक्षयवट मंदिर है, किला के अंदर है, आप लोग इसमें जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, बाकी आप लोग बाबा जी के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है, और कमेंट भी करिएगा बाबा जी के लिए, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं इनके लिए, जो कि कुछ ना कुछ इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि इतना ये तप किए हैं, ऐसा कोई करता नहीं, मैं पहली बार लाइव में मैं भी देख रहा हूँ, शायद आप लोग भी देख रहे होंगे। अरे कोई यहाँ के कंबल उड़ाने वाला नहीं है तो कैसे, तो कह रहे हैं कि बाबा जी की कोई कंबल उड़ाने वाला नहीं है, रुपया देने वाला जल्दी कोई नहीं देगा, रुपया देंगे तो बाबा भोजन कर लेगा, तो फिर रोटी खा लेगा। तो दोस्तों कह रहे हैं कि आप लोग एक रुपया देने वाले नहीं, लेकिन आप लोग एक सब्सक्राइब लाइक तो जरूर कर दीजिए बाबा जी के लिए। मिलेंगे फिर किसी नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।